दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं G20 कंट्रीज के बारे में, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 और इसके जो कंट्री है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कैपिटल और करेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो G20 जो है दोस्तों, ये बेसिकली 19 कंट्री है इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है दोस्तों। और इसको जो फॉर्म करा गया था, मतलब फाउंड करा गया था इसको, 1999 में बनाया गया था दोस्तों। और इसमें बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मतलब इंटरनेशनल फिनंशियल स्टेबिलिटी टाइप का कुछ हो गया तो ये सब चीज़ इसमें डिस्कस किया जाता है दोस्तों। कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मतलब कोई पॉलिसी बनाई जाती है उसको प्रमोट किया जाता है दोस्तों बेसिकली इसमें। और इसकी कैपिटल और करेंसी ये हमें याद करना है दोस्तों, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछा जाता है दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए दोस्तों। वन डे एग्ज़ाम हो तो हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए आज हम लोग उसे याद करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कंट्री जो है दोस्तों वो जर्मनी हो गया दोस्तों। और जर्मनी का जो कैपिटल हो गया दोस्तों, ये कहाँ हो गया? बर्लिन में है दोस्तों। जर्मनी का कैपिटल हो गया दोस्तों बर्लिन। और इसका जो करेंसी है दोस्तों वो हो गया यूरो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जापान की। तो जापान का जो कैपिटल है दोस्तों वो हो गया टोक्यो। और इसकी करेंसी हो गई दोस्तों येन। जापान का जो कैपिटल है दोस्तों वो हो गया टोक्यो और करेंसी हो गई येन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है दोस्तों कैपिटल वो कैनबरा हो गया। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया दोस्तों कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया दोस्तों। आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो राजधानी मतलब कैपिटल हो गया दोस्तों वो जकार्ता हो गया दोस्तों। और इंडोनेशिया का जो करेंसी हो गया दोस्तों वो रुपए हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कनाडा के दोस्तों। तो कनाडा का जो कैपिटल हो गया दोस्तों वो ओटावा है। और कनाडा का जो करेंसी हो गया दोस्तों वो कैनेडियन डॉलर हो गया दोस्तों। कनाडा का कैपिटल हो गया दोस्तों ओटावा और करेंसी हो गया कैनेडियन डॉलर। उसके बाद हम लोग चाइना का बात करते हैं दोस्तों। तो चाइना का जो कैपिटल है दोस्तों वो बीजिंग हो गया। और चाइना का जो करेंसी है दोस्तों वो युआन हो गया दोस्तों। चाइना का कैपिटल हो गया दोस्तों बीजिंग और करेंसी युआन हो गया दोस्तों। आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील का जो कैपिटल है दोस्तों वो ब्राज़ीलिया हो गया दोस्तों। और करेंसी हो गई दोस्तों रियाल। ब्राज़ील की जो करेंसी है दोस्तों वो रियाल हो गया। और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो ब्राज़ीलिया हो गया दोस्तों। ब्राज़ीलिया और रियाल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना का जो कैपिटल है दोस्तों वो ब्यूनस आयर्स हो गया दोस्तों। अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ हो गया दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसका कैपिटल हो गया दोस्तों। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो पैसो हो गया दोस्तों। अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ हो गया दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। और करेंसी इसकी पैसो हो गया दोस्तों। आइए उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस का जो कैपिटल हो गया दोस्तों वो पेरिस हो गया दोस्तों। और फ्रांस का जो करेंसी है वो यूरो हो गया दोस्तों। फ्रांस की कैपिटल कहाँ हो गया दोस्तों? पेरिस हो गया। और फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो हो गया दोस्तों। आइए उसके बाद बात करते हैं अपना कंट्री इंडिया का। तो इंडिया का जो कैपिटल है दोस्तों वो न्यू दिल्ली हो गया। और करेंसी रुपए हो गया दोस्तों। इंडिया की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली। और करेंसी रुपए हो गया दोस्तों। आइए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इटली की। इटली का जो कैपिटल है दोस्तों वो रोम हो गया दोस्तों। और इटली की जो करेंसी है दोस्तों वो यूरो हो गया दोस्तों। इटली का जो करेंसी है वो यूरो हो गया दोस्तों। और कैपिटल रोम हो गया दोस्तों। आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैक्सिको की। तो मैक्सिको का जो कैपिटल है दोस्तों वो मैक्सिको सिटी है दोस्तों। मैक्सिको सिटी मैक्सिको का कैपिटल हो गया दोस्तों। और मैक्सिकन पैसो यहाँ का करेंसी हो गया दोस्तों। मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल हो गई दोस्तों। और मैक्सिकन पैसो मैक्सिको का करेंसी हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है दोस्तों वो सियोल हो गया। और करेंसी हो गया वॉन हो गया दोस्तों। साउथ कोरिया का कैपिटल दोस्तों सियोल हो गया। और करेंसी वॉन हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग रसिया की। तो रसिया का जो कैपिटल है दोस्तों वो
मॉस्को हो गया, और रसिया का जो करेंसी है दोस्तों, और रूबेल हो गया दोस्तों, रसिया का जो करेंसी है दोस्तों और रूबेल हो गया दोस्तों, और रसिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टर्की की, तो टर्की का जो कैपिटल है दोस्तों वो अंकारा हो गया दोस्तों, टर्की का कैपिटल अंकारा हो गया, और टर्की का जो करेंसी है दोस्तों वो लीरा हो गया दोस्तों। टर्की का कैपिटल कहाँ हो गया दोस्तों? अंकारा, और करेंसी लीरा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की दोस्तों। तो यूएसए का जो कैपिटल है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी हो गया दोस्तों, और यूएसए का जो करेंसी है दोस्तों वो यूएस डॉलर हो गया दोस्तों। वाशिंगटन डीसी और करेंसी हो गया दोस्तों यूएस डॉलर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल हो गया दोस्तों वो केप टाउन है दोस्तों, और यहाँ की जो करेंसी है साउथ अफ्रीका की करेंसी दोस्तों वो रैंड हो गया दोस्तों। साउथ अफ्रीका को जो कैपिटल है दोस्तों वो कहाँ हो गया? केप टाउन हो गया, और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है दोस्तों रैंड हो गया, रैंड हो गया दोस्तों। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि साउथ अफ्रीका की और भी दो कैपिटल है दोस्तों, एक तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दोस्तों वो शायद प्रिटोरिया है दोस्तों, प्रिटोरिया, और इसकी एक और कैपिटल। तो साउथ अफ्रीका की टोटल तीन कैपिटल है दोस्तों, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो हो गया रियाद, और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है दोस्तों वो रियाल हो गया दोस्तों। साउथ अफ्रीका की कैपिटल हो गया दोस्तों रियाद, और करेंसी रियाल हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूके की, तो यूके का जो कैपिटल है दोस्तों वो लंदन हो गया, और यूके का जो करेंसी है दोस्तों वो पाउंड स्टर्लिंग हो गया दोस्तों, पाउंड स्टर्लिंग यूके का करेंसी हो गया दोस्तों, और यूके का कैपिटल हो गया दोस्तों लंदन। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, यूके का कैपिटल हो गया दोस्तों लंदन, और करेंसी हो गया दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन का ये तो नाम से ही पता चलता है दोस्तों, यूनियन यानी कुछ देशों का ये संघ है दोस्तों। तो इसका जो हेड ऑफिस हो गया दोस्तों वो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम हो गया दोस्तों, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो यूरो ही चलता है दोस्तों। इसमें मतलब जितने कंट्री आती है दोस्तों वहाँ शायद यूरो ही चलता है दोस्तों। तो ये थी आज G20 कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात किए दोस्तों।